नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता हफ्ते की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्फ है, जिनसे रोशनास होकर आपकी मालूमात का दायरा वसी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले मुलाहजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियाँ। श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इंतजाम का जायजा लेने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया नुनवन और चंद्रवाड़ी में कायम यात्रा के बेस कैंपों का दौरा। जनूबी कश्मीर में सेहत और तबी निगहदाश्त में काबिल दीद बेहतरी लाने के लिए एम्स अवंतीपुरा प्रोजेक्ट हो रहा है जनवरी 2025 तक तैयार। हिंदुस्तान के पहले म्यूजिक साइंसदान डॉक्टर शहजाद आसिम बर्लिन जर्मनी में मुनक़द होने वाली म्यूजिक बतौर मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में करेंगे मुल्क की नुमाइंदगी। महकमा ज़राअत बारामूला जिले में रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों को अमला कर बन रहा है तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार का वसीला। केरल की फैजल एंड शबाना फाउंडेशन ने तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए अपने दायरे कार को बढ़ाया कश्मीर तक। बांडीपुरा में महकमा जंगलात और जंगली हयात के फ्रंट लाइन अमले के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की दो रोजा तरबियत का अहतमाम। और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने मोगा पंजाब में सातवें कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली जम्मू कश्मीर की टीम को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब इन सब मौजूदात की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गए दिनों श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के इंतजाम का जायजा लेने के लिए नुनवन और चंदनवाड़ी यात्रा के बेस कैंपों का दौरा किया। उन्होंने इस हवाले से यात्रियों और यात्रियों की खिदमात पर मामूर लोगों के साथ बातचीत भी की। मजीद तफसीलात के लिए मुलाहजा हो हमारी ये रिपोर्ट। फिरका वाराना मेल मिलाप की आई नदार और बाहमी रवादारी और हम आहंगी की अलामत श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहायत ही आसन तरीके से जारी है और इस हवाले से हर रोज यात्रियों के जत्थे कश्मीर के फलकबोस बर्फीले हिमालयी पहाड़ों में वाका अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की दर्शन के लिए दीवानावार चल आ रहे हैं। सरकारी सतह पर इंतजामिया की तरफ से यात्रियों की सहूलियत और राहत को यकीनी बनाने के लिए मुतवातिर और मुअसर इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस हवाले से बाकायदा तौर पर पहलगाम में नुनवन और चंदनवाड़ी के अलावा बालतल के बेस कैंपों पर सहूलियत का जायजा लेने के लिए बजाते खुद इन मकामात का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत उन्होंने गुज़श्ता दिनों मजकूरा बेस कैंपों का दौरा करके यात्रियों की सहूलियत के लिए वहां जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर पर चंदनवाड़ी में यात्रियों की सेहत और तिबी निगहदाश्त को यकीनी बनाने की खातिर तामीर हो रहे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के कामकाज का भी जायजा लिया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर यात्रियों से भी बातचीत की और उनसे यात्रा के तजुर्बे और उनके लिए दस्तियाब सहूलियात के बारे में उनकी तसल्ली और तशफी दरियाफ्त की। बेस कैंप्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खदमात फराहम करने वालों, डॉक्टरों, सफाई सुथराई के कारकुनों, इंतजामी और सिक्योरिटी एहलकारों से भी बातचीत की और मुख्तलिफ खिदमात जैसे कयाम, लंगर, बिजली और पानी की फराहमी, सफाई, सेहत, ट्रैफिक और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने तमाम मुतलका महकमों और खिदमात फराहम करने वालों को हिदायत दी कि वह यात्रा की महफूज और कामयाब तकमील के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। सर, थोड़ा फीवर हो रहा था, बाकी यहाँ पर मेडिकल चेक करवाया, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस भी अच्छी है यहाँ पर, मेडिकल बड़ा अच्छा है, स्टाफ बड़ा अच्छा है, प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं सबको, एकदम अच्छी चेकअप भी ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पर। श्री अमरनाथ जी यात्रा शद्दोमद से जारी है और अगर तिबी सहूलियात की बात करें तो तमाम तर तिबी सहूलियात यात्रियों के लिए दस्तियाब रखी गई हैं। चंदनवाड़ी में एक 100-बेड हॉस्टल इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें तमाम तर तिबी सहूलियात जैसे कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, हर एक सहूलियात दस्तियाब रखी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद सागर के साथ मुदस्सिर अमीन, डीडी न्यूज़ श्रीनगर। कश्मीर में सेहत और तिबी निगहदाश्त में इनकलाबी अहमियत का हामिल एम्स अवंतीपुरा प्रोजेक्ट जनवरी 2025 तक कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर में सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती की देखभाल का एक काबिल एतमाद मरकज बनकर तैयार हो रहा है। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार और मकामी इंतजामिया सेहत आमा और तिबी निगहदाश्त के हवाले से
जम्मू कश्मीर को एक मुमताज मकाम दिलाने के लिए संजीदगी और इखलास के साथ कमर बस्ता है। इस पस मंजर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स अवंतीपुरा प्रोजेक्ट इलाज मुआलजे के एतबार से एक तारीखी और तामीरी इकदाम है, जिसका मकसद पूरे कश्मीर खित्ते के साथ साथ जनूबी कश्मीर में सेहत आमा की देखभाल के बुनियादी ढांचे को बेहतर और मुअस्सर बनाना है। ये तिब्बी इदारा जनवरी 2025 की हुकूमत की मुकर्रर करदा डेडलाइन को पूरा करके तैयार हो रहा है। 1828 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से तैयार होने वाला यह मंसूबा खित्ते में तिब्बी सहूलियात को बेमिसाल सतह तक पहुंचाने के हवाले से पेश खीमा साबित होगा। हाल ही में सेहत के मरकजी सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने अवंतीपुरा में एम्स साइट का दौरा किया। उन्होंने इस इलाके में सेहत की अहम खदमात फराहम करने के लिए इस मंसूबे को मुकम्मल करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। सेक्रेटरी ने हुकाम पर जोर दिया कि वो तामीर में तेजी लाएं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रिहायशियों को इलाज के लिए इलाके से बाहर जाने की जरूरत न रहे। एम्स को हमने देखा, अभी उसके अंदर वैसे अभी काम चल रहा है, वहाँ पर जो है 2200 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं। वहाँ पर नवंबर अगले वर्ष का उसका टारगेट है और हमें विश्वास है कि वहाँ पर अब आज भी विजिट किया है, थोड़ा उनको और सूचना देंगे तो वो काम जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे, मजदूर को थोड़ा बढ़ाएंगे और अगले वर्ष नवम्बर में हमारा टारगेट है इसको पूरा करेंगे। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये मेडिकल इंस्टीट्यूट जनूबी कश्मीर के बाशिंदों के लिए खास तौर पर घर की दहलीज पर जदीद तिबी खदमात फराहम करके नुमाया तौर पर सूदमंद साबित होगा। इलाके के अवाम को उम्मीद है कि मजकूरा अस्पताल उन्हें इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात फराहम करने के अलावा इस इलाके में रोजगार के मौके फराहम करने में भी कारामद साबित होगा। उनका काफी कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे जमींदारों की जमीनें चली गई वो भी ज्यादा रेट पे नहीं, सस्ते दामों पे 1700 कनाल तकरीबन, जिसमें कराची लैंड भी थी, स्ट्रेट लैंड भी थी। एम्स जो एम्स यहाँ पे बना, जो जिस डेट में ये सेंक्शन हुआ, इसमें जो काम की सुस्त रफ्तारी की जो वजह थी, वो वजह इसमें कुछ हेडल थे, कुछ लैंड इश्यूज थी, कुछ दूसरे इश्यूज थी, लेकिन वो 100% अब सॉल्व हो गए। तो अब पिछले 2 सालों से अभी तक जो हमारे 58 बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है वो फाइनल स्टेज में, फाइनल टच में है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल दिसंबर नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। जो ये फैसिलिटी है एम्स, ये हमारे कश्मीर, बल्कि कश्मीर नहीं बल्कि रामबन बानहाल तक, कुपवारा से लेकर ये उनको प्रोवाइड होगी। एम्स आपको पता है ये एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, इसका काफी फायदा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लोगों को जो सीरियस कुछ डिजीजेस होते थे, बीमार जो लोग होते थे, उनको कभी चंडीगढ़ एम्स में जाना पड़ता था, कभी दिल्ली एम्स में जाना पड़ता था, कभी अपोलो हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। तो अब हमारे लोगों को दूसरे जगहों पे, दूसरे स्टेटों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको ये फैसिलिटी, अब यू नो दैट अवंतीपुरा इज सेंट्रली लोकेटेड फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये बीच में अवंतीपुरा कस्बा है और मुझे उम्मीद है जो आज जिस रफ्तार से काम चल रहा है, अभी उसका रोड कंप्लीट होगा, लिंक रोड से ऊपर तक एम्स तक, और हमें उम्मीद है कि ये अगले दिसंबर तक 25 दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका फायदा काफी, सबसे फायदा बीमारों को मिल जाएगा। अस्पताल की तामीर के अलावा वसी पैमाने पर सड़क की मैग्नमाइजेशन का काम जारी है, जिससे बुनियादी ढांचे में बहुत जरूरी बेहतरी लाई जा रही है, जिससे मकामी लोगों में उम्मीद का जज्बा पैदा हो रहा है। एम्स बनने से उम्मीद पूर ग इनशा, खास कर बेरोजगारी मसल बेरोजगारी मसल ग इनशा दूर, युक ट्रेड इस ट्रेडस वापस कारबार इन गाड़ियन कारबार टेम्पो ट्रेवल वेवल यह रोज इनशा कामयाब और आज से एम्स मम चलान बड़ असल पूर अवंतीपुर पूर साउथ पूर जम्मू कश्मीर लोग अत सोश जि ये एम्स स्टार्ट और इनशा अत सकें बेरोजगार नौजवान तक और रोजगार तक असल। ये तिबी प्रोजेक्ट इलाके के अवाम की खातिर तरक्की और उम्मीद की किरण के तौर पर उभर रहा है, जो जनूबी कश्मीर में सेहत आमा को हर एतबार से यकीनी बनाने के जिम्न में संग मील साबित होगा।
کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہندوستان کے پہلے میوزک سائنسدان ڈاکٹر شہزاد عاصم انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف میوزک اینڈ میڈیسن برلن جرمنی میں ستمبر میں منعقد ہونے والی میوزک بطور میڈیسن کانفرنس میں بھارت کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ وہاں مختلف اعصابی بیماریوں پر میوزک کے اثرات سے متعلق اپنا مقالہ پیش کریں گے. جانیے مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. کشمیر کے ایک ہونہار ماہر موسیقی اور موسیقی کے سائنسدان ڈاکٹر شہزادہ عاصم کو برلن جرمنی میں انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف میوزک اینڈ میڈیسن آئی اے ایم ایم کے اہتمام سے 18 سے 21 ستمبر 2024 تک ہونے والی مشترکہ کانگریس میں اپنا انقلابی تحقیقی مقالہ میوزک بطور میڈیسن پیش کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اس کانفرنس میں چین، جاپان، امریکہ، اٹلی اور کئی دیگر ممالک کے میوزک سے وابستہ ماہرین شرکت کر رہے ہیں. ڈاکٹر شہزادہ عاصم پہلی بار اپنے ملک بھارت کی نمائندگی کر رہے ہیں. مذکورہ مجوزہ بین الاقوامی کانفرنس میں ڈاکٹر شہزادہ عاصم کو موسیقی کے بین الاقوامی ماہرین کو پہلی بار بھارتی موسیقی کی راگ، راگنیوں، سروں، تالوں اور تانوں سے انسانی نفسیات اور اعصاب پر مرتب ہونے والے مختلف اثرات سے آگہی دلانے کا موقع ملے گا، اور ساتھ ہی موسیقی کے علاج کی صلاحیت کے حوالے سے ان کے قابل تعریف کام کو بھی پذیرائی حاصل ہوگی. یہ ہمارا ایک ریسرچ پیپر ہے جو میوزک ایز اے میڈیسن ہمارا جو ریسرچ پیپر سلیکٹ ہوا ہے. جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سپٹمبر میں، یہ ایک ورلڈ کانفرنس ہے جس میں بہت سارے ملک جو ہیں اس میں شمولیت کر رہے ہیں، جیسے چائنا ہے، جاپان ہے، یو ایس اے ہے، اٹلی ہے اور بہت سارے اور بھی ملک ہیں جو اس میں شمولیت کر رہے ہیں. بٹ میوزک ایز اے میڈیسن پہ پہلی دفعہ ہمارا ملک اس میں شامل ہو رہا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں. تو یہ حال ہی میں ہمارا ایک ریسرچ پیپر ہے میوزک ایز اے میڈیسن، وہ سلیکٹ کیا گیا ہے وہاں پہ، کیونکہ جہاں تک میوزک کی بات ہے ہم نے اس کو ہمیشہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے دیکھا ہے اور ہمارے ایک ملک میں تو بہت سے دیگر کلاکار ہیں اس میں، لیکن میوزک اس کو میڈیسنل اپروچ پہ لانا، اس پہ کام کرنا یہ بہت بڑا ٹف ایک جاب رہا. لیکن دھیرے دھیرے ہم نے اس پہ کام کیا اور بہت سارے سائنٹسٹ اس پہ جڑ گئے. تو ہمارا ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے یہاں پہ جو اس پہ اسی پہ کام کر رہا ہے. میوزک کو ازل سے ہی روحانی علاج سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے سری نگر میں قائم ریسرچ سینٹر اس شعبے میں تعلیم و تحقیق و علاج معالجے سے مربوط کر کے نئی منزلوں کی جانب گامزن ہے. محکمہ زراعت بارہمولہ ضلع میں مختلف سکیموں کے تحت ضلع کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی مختلف سرکاری سکیموں سے استفادہ کرنے کی خاطر کئی طرح کے مراعات کی ترغیب دے رہا ہے، جن سے تحریک پا کر کئی نوجوانوں نے بڑے بڑے آمدن بخش یونٹ قائم کیے ہیں. پیش ہے اس حوالے سے ہماری یہ خاص رپورٹ. مرکزی سرکار کی خود روزگاری کی سکیموں سے جموں کشمیر کے بہت سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان مستفید ہوتے جا رہے ہیں. مضبوط حوصلوں اور تگڑے ارادوں سے سرشار یہ سلیقہ مند نوجوان ان سکیموں کو اپنے لیے نہایت ہی مفید سمجھتے ہیں. بارہمولہ کے شیخ زبیر انہی نوجوانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے بارہمولہ میں محکمہ زراعت کے حکام کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے مشروم کی کاشت کا بیڑا اٹھا کر اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کو ایک نئی اور روشن راہ دکھائی ہے. محکمہ زراعت بارہمولہ ضلع میں مختلف سکیموں کے تحت بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی جو تدبیریں کر رہا ہے، انہی کے تحت شیخ زبیر نے محکمے سے رابطہ کر کے سال بھر مشروم کی کاشت کے لیے کنٹرول کنڈیشن ڈراپنگ روم قائم کیا ہے. یہ منصوبہ 20 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تعمیر ہوا ہے، جس میں سے شیخ زبیر کو 8 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کی گئی. یہ یونٹ ہم نے کانسپورہ میں سیٹ اپ کیا ہوا ہے. تو یہ پروجیکٹ انڈر ایچ اے ڈی پی جو گورنمنٹ نے اسکیم لانچ کی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے، اس کے انڈر ہم نے اویل کیا ہوا ہے. تو یہ پروجیکٹ کا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروجیکٹڈ کاسٹ اراؤنڈ 20 لاکھ روپے کا ہے، اور اس میں 40% سبسڈی ہے اراؤنڈ 8 لاکھ روپیز کی. تو ہم نے یہ مئی کے مہینے میں شروع کیا اس کا، یہ مطلب اس کا کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو مئی کے مہینے میں ہم نے اس کا کراپنگ جو شروع کی، تو آج لگ بھگ 2-3 دن مطلب 1 جولائی سے اس کا شروع ہو گیا فروٹنگ. تو ابھی تک تو ماشاء اللہ ٹھیک چل رہا ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی سپورٹ تھا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص آئیڈیا تھا نہیں. یوزولی وہ فیس بک پہ شیئر ہوتے ہیں وہ 100 بیگز کی سکسیس اسٹوریز. تو دیدی نوکری مل گئی. ارے واہ مبارک ہو.
फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स जैकेट। खैरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। उससे सोच के फिर जब मैंने वेबसाइट पे देखा था कि ये प्रोजेक्ट, तो मैंने ऐसे अप्लाई किया था विदाउट एनी कुछ रिसर्च। फिर मैंने डिपार्टमेंट से रابطہ किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या क्या है, तो मुझे लगा कि मतलब लार्ज स्केल पे काफ़ी मतलब प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हिमाचल में आप जाइए, वहाँ रिसर्च सेंटर है मशरूम का, तो आप वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ इन डिटेल वो आपको समझाएंगे। तो फिर मैं फेब के महीने में वहाँ चला गया, तो वहाँ से सारी डिटेल्स लेके मुझे इसका रिस्क सब कुछ के बारे में पता करके, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोजेक्ट के साथ। तो फिर हमने मई के महीने में स्टार्ट किया, तो अभी जुलाई के महीने में क्रॉपिंग शुरू हो गई है, इंशाल्लाह अभी एक महीने तक क्रॉप आएगा, तो फिलहाल तो काफ़ी ठीक लग रहा है। शेख जुबैर को ये प्रोजेक्ट महकमे ज़राअत ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर बारामुल्ला यदविंदर सिंह की रहनुमाई में फराहम किया है। रोजगार से मुतलिक मरकजी सरकार की मुतद्दिद स्कीमों के निफाज के हवाले से मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर बारामुल्ला दलजीत सिंह का कहना है कि उनका महकमा खम्बी की काश्त पर काफी तवज्जो दे रहा है, और पिछले दो सालों के दौरान बहुत से नौजवानों ने महकमे के साथ राबिता करके जिले में इस तरह के कई यूनिट्स कायम किए हैं, जिनसे ये नौजवान न सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं बल्कि दीगर नौजवानों को रोजगार फराहम करने के काबिल भी हो गए हैं। कंडीशनड कोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम जो हमारा है, राउंड द ईयर चलेगा ये, इसमें हम चार क्रॉपें ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा HADP के अंडर ही है, इसमें 20 लाख का ये प्रोजेक्ट है, 8 लाख रुपए इसमें सब्सिडी है, और इस यूनिट से दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नॉर्थ कश्मीर, और कश्मीर वैली में ये पहला यूनिट है जिसमें क्रॉप आनी शुरू हो गई है। अभी कश्मीर में कहीं भी क्रॉपिंग रूम में क्रॉप नहीं आई है। तो इसका इसके हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, हमारे जुबैर साहब हैं, इससे एक फ़ायदा और है, एक तो ये अपने रोज़गार के लिए इसमें काम हो गया इनका, दूसरा ये और चंद जो इन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ दी है उसका भी बड़ा फ़ायदा हो गया, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यूनिट भी है ये, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बारामूला में अगर एक दो यूनिट ऐसे और लग जाएं, तो बड़ा फ़ायदा है बारामूला को, फ्रेश क्रॉप मिल रही है बारामूला को आज, नहीं तो हमारी क्रॉप या जम्मू से आती थी या पंजाब से आती थी, ऑफ सीज़न में प्रिजर्वेटिव्स होते थे, हफ्ता रहती थी वो क्रॉप, लेकिन आज की डेट में बारामूला को फ्रेश फार्म क्रॉप मिल रही है यहाँ से। जम्मू कश्मीर के मुतद्दिद तालीम याफ्ता नौजवान अब शेख जुबैर की तरह ही सरकारी नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय अपनी मदद आप करने की राह पर गामजन होकर रोजगार से मुतलिक सरकार की स्कीमों से इस्तफादा करके अपना मुस्तकबल ताबनाक बना रहे हैं। केरल की एक गैर सरकारी तंजीम फैजल एंड शबाना ने तालीम के मयार को बढ़ाने और इसे नौजवान तलबा की उम्मीदों से हम आहंग करने की खातिर कश्मीर में अपनी सरगर्मियों में नई रूह फूंक दी है। गए दिनों कोठीबाग श्रीनगर के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इस हवाले से इस तंजीम की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया गया। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तालीम के शोबे के लिए एक अहम पेशरफ्त में फैजल और शबाना फाउंडेशन ने अपने तब्दीली लाने वाले निदाकावा मॉडल को कश्मीर तक फैलाया है। गिविंग टू क्रिएट इम्पैक्ट के रोशन ख्याल मकसद के साथ फाउंडेशन एक बार फिर तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए अपने अजम का इजहार कर रही है। मजकूरा फाउंडेशन ने गुज़श्ता दिनों कोठीबाग श्रीनगर में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अपने प्रोग्राम का आगाज करके एक अहम संग मील अबूर किया। पिछले साल हमने MOU इनके साथ किया हुआ था हमारे गवर्नमेंट ने, तो दिस ईयर इसमें जो बहुत से काम होते थे, पेपर्स का काम, जो पर्दे के पीछे काम होता है, तो बिल्ड द ड्राइंग्स, तो बिल्ड द दीज अदर थिंग्स, तो वो आज कंप्लीट सारा हो गया। तो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी,
सर ने खुद यहाँ, उनकी फैमिली यहाँ आई, इनका टीम पूरा आया हुआ है एंड दे हैव अलॉटेड दिस कॉन्ट्रैक्ट टू अ लोकल कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू द जो लोकल आर्किटेक्ट होगा उसको लेके एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहेंगे। एक कंपोजिट स्कूल होगा प्री केजी क्लासेस से अप टू 12th। इसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और इंक्लूसिविटी भी होगी ताकि हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छी तालीम हासिल कर पाएँ और हम इस मिशन को अगले ज़िलों में, अगले पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ले जाएंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सकें और ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर। ये इकदाम फाउंडेशन के निदाकावा कोझिकोड़ी केरला में लड़कियों के लिए गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ प्रोजेक्ट प्रिज्म के तहत साल 2013 में कामयाब तआवुन के बाद उठाया गया है। उस वक्त के एमएलए प्रदीप कुमार की तरफ से तसव्वुर करदा इस प्रोजेक्ट ने निदाकावा स्कूल को कौमी शोहरत तक पहुंचाया। कश्मीर में ताजा तरीन मनसूबा जम्मू कश्मीर हुकूमत और कोझिकोड़ी के दरमियान दस्तखत शुदा मुफाहमत की याददाश्त का हिस्सा है। महकमे जंगलात और जंगली हयात के तहफ्फुज़ के इश्तराक और तआवुन से पिछले दिनों बाणीपुरा में दो गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से जंगलात और जंगली हयात के तहफ्फुज़ के फ्रंटलाइन अमले के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की दो रोज़ा तरबियत का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बाणीपुरा में गए दिनों वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन फाउंडेशन कश्मीर और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन कर्नाटक ने फ्रंटलाइन जंगलात और जंगली हयात के तहफ्फुज अमले के लिए दो रोजा तरबियती सेशन का इनेकाद किया। कश्मीर में इन दोनों गैर सरकारी तंजीमों के इस इकदाम को जम्मू कश्मीर के महकमे जंगलात और जंगली हयात के तहफ्फुज महकमे की हिमायत हासिल है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन फाउंडेशन की सरबराह और पानी महरीन खलील ने इस तरबियती सेशन के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसका मकसद बांडीपुरा और गांदरबल अजला में महकमे जंगलात और वाइल्ड लाइफ महकमे के मुंतखब अमले की महारत और मालूमात को बढ़ाना है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट के बारे में हमने फॉरेस्ट गार्ड या फ्रंटलाइन स्टाफ जो है वाइल्ड लाइफ डिवीजन के और फॉरेस्ट डिवीजन के, इसमें उनको हमने फुल लेंथ ट्रेनिंग दी। ये 2 से 5 दिन का एक फुल लेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हमने इनको इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग और इसकी इम्पोर्टेंस कंजर्वेशन में कैसे है वो सिखाया गया। हमने इनको सिखाया कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर करते हैं, चाहे वो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी हो या फॉनल बायोडाइवर्सिटी हो। उसके अलावा कुछ ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करना सिखाया जिसको ये रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स जो ये फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग जो पॉपुलेशन स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, वो इनने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया स्टाफ ने। रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला महदी ने गए दिनों श्रीनगर में मोगा पंजाब में मुनक्कद होने वाली 7वीं कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में शिरकत करने वाली जम्मू कश्मीर की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खेलकूद से मुंसलिक कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हाल ही में मुंतखब रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्ला ने पंजाब के शहर मोगा में मुनक्कद होने वाली 7वीं कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर की रोइंग टीम को गुज़श्ता दिनों झंडी दिखाकर रवाना किया। एमपी सैयद रूहुल्ला ने उभरते हुए खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए जेके एआरएस की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की। एमपी सैयद आगा रूहुल्ला ने मजीद कहा कि वाटर स्पोर्ट्स एक तेजी से फैलने वाला खेल है और यकीनी तौर पर इसमें वसी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो इस खेल को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत से बात करेंगे। गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अप्राइज करूंगा जरूर, जैसे कि मैंने कहा इनसे मैं डिटेल्स लेके कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स मैं ज़रूर पार्लियामेंट के जरिए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इंडिविजुअली भी रेज करूंगा ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो जाए और साथ साथ करिकुलम में भी, स्कूल में भी इस स्पोर्ट को सीरियसली लिया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है, हमारे पास कमी नहीं है वाटर बॉडीज़ को, इसको इस स्पोर्ट को अच्छी तरह से सीरियसली लेके और एक करियर भी बनाया जाए, इसके लिए मैं बात जरूर करूँगा। तारीख साज और ओलंपिक गेम्स 2024 में
पेरिस में बहसियत जूरी मेंबर मुशाहिद का किरदार अदा करने वाली हिंदुस्तान की पहली शख्सियत बिलकीस मीर भी फ्लैग ऑफ तकरीब में मौजूद थी। मोहतरमा मीर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खेलकूद से बच्चे जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बन जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो पानी के खेलों को फरोग देने और अपने नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करके उन्हें बड़ा प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए बुनियादी सतह पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। रोइंग टीम, हमारी स्टेट की रोइंग टीम आज 7th इंडोर रोइंग चैंपियनशिप जो पंजाब में होगी वहाँ पर हमारी यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ तक आपने देखा होगा वाटर स्पोर्ट्स की बात है, वी पीपल आर ब्लेस इज सच अ वंडरफुल वाटर फ्रंट्स, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। और इस स्पोर्ट्स ने आज तक अगर देखा जाएगा, इस स्पोर्ट्स ने आज तक 110 मेडल्स हमारी यूटी को दिया और जिसमें 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है। और आज आप देख रहे हो कि हमारी जो सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम ये जम्मू कश्मीर यूटी को इस प्रेस्टीजियस चैंपियनशिप में पंजाब में रिप्रेजेंट करेंगे। और आने वाले दौर में मुझे जो लग रहा है कि हमारे बच्चे ना कि स्टेट को बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन का आज का शुमार इख्तिताम को पहुंचा। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।